व्लॉग, दिस इज योर मियोना गर्ल जेनी। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं जकारिया स्ट्रीट, जो कि है रमजान के महीने में स्ट्रीट फूड के लिए फेमस। और कैसे जाना मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। अगर तुम लोग मेट्रो से आ रहे हो तो सेंट्रल और एमजी रोड पे उतर के 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, तो तुम लोगों को ये मोहम्मद अली पार्क का गेट दिख जाएगा। तो वहाँ से सीधा तुम लोगों को जाना है 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, फिर तुमको सारे शॉप्स दिखने शुरू हो जाएंगे। जब तुम लोग मार्केट पे एंटर करोगे तब तुम लोगों को दिखाई देगा बहुत सारे शॉप्स, जहाँ पे मिलता है घड़ी, जूते, कपड़े और जो रमज़ान के महीने में फेमस होता है इत्र और बहुत सारे चीज़। तो उसके बाद तुम लोगों को और थोड़ी देर आगे जाना है, उसके बाद तुम लोगों को मिल जाएगा खाने का सब स्टॉक। हम लोग जो पहले दुकान पे आए हैं, ये है फेमस रेस्टोरेंट तस्कीन के ही ऑपोजिट में ही। यहाँ पे मिल रहा था चिकन समोसा, चिकन स्प्रिंग रोल, चिकन पकौड़ा और चिकन सीख कबाब। तो चिकन सीख कबाब हम लोगों ने ट्राई किया, इसका प्राइस था 20 रुपीज़, और जो चिकन पकौड़ा तल रहा था उसका है 100 रुपीज़। Hey guys, so हम लोग फर्स्ट ट्राई करेंगे सीख कबाब, चिकन सीख कबाब, और इसका प्राइस है 20 रुपीज़ ईच। तो हम लोग पहले ट्राई करके तुम लोगों को दिखाते कैसा टेस्ट है। तो ये ऐसा आता है, मैंने एक छोटा सा पीस लिया है, तो एक बार खा के देखते कैसा है। यम्मी, ग्रीन चटनी के साथ जो फ्लेवर आ रहा है ना, क्या बताऊं गाइस, बहुत ही टेस्टी है, फ्लेवरफुल, इतना फ्लेवरफुल। मैंने इतना अच्छा कबाब 20 रुपए में तो नहीं खाया, बहुत ही उमदा, बहुत ही टेस्टी है। तो गाइस, भैया ने हम लोगों को बताया, हम लोग लास्ट डे पे आए इसलिए हम लोगों को ज्यादा कबाब नहीं मिले, बट यहाँ पे तिरंगा कबाब और मलाई कबाब भी मिलता था, वो भी 20 रुपए में, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तो गाइस, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इसके बाद हम लोग आए हैं दिल्ली सिक्स, जो कि है फेमस उन लोगों का चिकन मलाई और शिरमल रोटी। बट यहाँ पे जितना भीड़ था, उन लोगों से हम लोगों ने बात किया, वो लोग बोल रहे थे कम से कम 2 घंटे का वेटिंग लाइन है। तो उसके बाद हम लोग उसके ही बाजू में था तस्कीन, जो फेमस है मुर्ग चंगेजी और माही अकबरी के लिए। तो वहाँ पे भी 2-2.5 घंटे का वेटिंग था, तो हम लोग तो वो ट्राई नहीं कर पाए। किसी एक और ईद के दिन आएंगे, फिर ट्राई करके देखेंगे, आज के लिए तो ये हो नहीं पाया। बट बाहर शिरमल रोटी बन रहा था, जो कि तंदूर में बन रहा था, बहुत यूनिक सा रोटी है जो कि सिर्फ रमजान के महीने पे ही मिलता है। यह है बॉम्बे होटल, यहाँ का फेमस है बीफ चाप और तंदूरी रोटी। बीफ चाप यहाँ पे मिलता है 70 रुपीज़ और तंदूरी रोटी 10 रुपीज़ ईच। अगर आप लोग बीफ लवर हो तो आप लोग यहाँ पे आके एक बार जरूर ट्राई करना। बॉम्बे होटल के ही पास वाले गली में मिल रहा था माही अकबरी, जो कि है फिश फ्राई, और उसमें 52 तरह का मसाला जाता है अंकल के हिसाब से। सो अंकल क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लो। कल से बिक्री होते आ रहा है, पर केजी 360 रुपए किलो, 20 सेंट कबाब मच्छी फ्राई। चलते चलते मुझे लीची दिख गया, और जो कि बहुत सस्ते में मिल रहा था 60 रुपीज पर केजी, सो मैंने घर के लिए 1 केजी ले लिया। फिर हम लोगों को दिखा बहुत सारे शरबत के दुकान, जहाँ पे मिल रहा था रू अफजा और बहुत सारे शरबत, जो कि सिर्फ 10 रुपए। ये है फेमस एडम्स कबाब शॉप, यहाँ पे बोटी और सूता कबाब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम यहाँ पे भी ट्राई नहीं कर सके। हे गाइस, सो हम लोग आ गए हैं बाबा टी पे, यहाँ पे मिलता है फिरनी, तो हम लोग एक बार ट्राई करके देखेंगे, और इस फिरनी का प्राइस है 20 रुपीज, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कितना टेस्टी होता है। बहुत ही सही है, मैं बता नहीं सकती,
बहुत ही सही बनाया। मतलब अगर जकारिया स्ट्रीट आ रहे हो तो इस जगह पे जरूर एक बार चेकआउट करना, बहुत ही टेस्टी मिलता है, जो कि 20 रुपीज में। तो भाई हम लोग ये फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टॉप पे जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं इस्लामिया पे, यहाँ का फेमस है शाही टुकड़ा। और हम लोग जकारिया स्ट्रीट रमजान के टूर पे आए, तो अगर शाही टुकड़ा नहीं खाए तो क्या किया। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार शाही टुकड़ा ट्राई कर लेते हैं। इस्लामिया है वो शाही टुकड़ा के लिए फेमस है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसा है, टेस्ट कैसा है और उसका प्राइस कितना है, तो आने दीजिए। सो गाइस हम लोगों का शाही टुकड़ा आ गया है, तो हम लोग खा के एक बार तुम लोगों को दिखा देते हैं कैसा टेस्ट है। ऐसा है, ऐसा दिखता है, ऊपर पूरा मलाई दिया हुआ है, देख लो। अब हम लोग आए हैं लच्छा के दुकान पे, मुझे घर के लिए भी लेना था और आप लोगों को भी दिखाना था। सो ये जो है, ये पहला वाला, इसका रेट है 150 रुपीज पर केजी, ये वाला है 120 रुपीज पर केजी, और ये जो दिखाई दे रहा है ये है 80 रुपीज पर केजी। ये है 100 साल पुराना जकारिया स्ट्रीट का मिठाई का दुकान हजी अलाउद्दीन। ये लोग फेमस है मावा लड्डू, बत्तीसी हलवा और गुलाब जामुन के लिए। सो ये है मावा लड्डू, ये थोड़ा मीठा कम है और टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये है बत्तीसी हलवा, इस पे 32 किस्म का ड्राई फ्रूट्स जाता है और मुझे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा, और ये सिर्फ रमज़ान के महीने पे ही मिलता है। ये गुलाब जामुन साइज़ में थोड़ा छोटा है बट घी में तला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे बहुत टाइप्स के ब्रेड्स भी मिल रहे थे जो कि 20 रुपया से 100 रुपया तक था। उनका कहना था ये मावा दूध से बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत टाइप के बिस्किट्स भी थे, उनमें से अफ़गानी बिस्किट जो सिर्फ रमज़ान के महीने पे ही मिलता है वो बहुत फेमस है। सो मैंने 30 रुपया से ये वाला ब्रेड लिया घर के लिए। यहाँ पे आपको लच्छा सिमोया के साथ साथ मिक्स ड्राई फ्रूट, शरबत का दुकान, खजूर का दुकान और दही वड़ा जैसे आइटम्स भी मिल जाएंगे। जकारिया स्ट्रीट फूड टूर में मैंने तुम लोगों को पूरा पूरा दिखाने की कोशिश की है सब कुछ। सो गाइज इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनती है, और तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mio_girl। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।